वेलकम गाइज, जेकलोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेकलोन जॉब चैनल को और पाए रोजाना बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइज, अगर आप बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो आप सही चैनल पर आ गए, ठीक है। और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ में आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर सिलेबस सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी, ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बॉटनी, ठीक है। क्या किया था? बॉटनी। जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है बेल आइकन प्रेस करके, उनको तो पता है रोजाना वीडियो उनको मिलता है, ठीक है। और जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर ले ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। सो क्योंकि गाइज बॉटनी और जूलॉजी आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में 50-50 आती है, बराबर मात्रा में आती है, ठीक है। जूलॉजी भी उतनी आती है तो बॉटनी भी उतनी आती है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री इन सब का रेशियो सेम रहता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जूलॉजी। और जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे ना तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक विषैली होती है क्योंकि CO इज मोर टॉक्सिक देन CO2 बेकाउच। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते, यह हीमोग्लोबिन के O2 ले जाने की क्षमता को घटाता है, यह फेफड़ों की खस्ती पहुंचाती है, यह जल के साथ अम्ल बनाती है। क्या कारण है जिसके कारण हमारी जो CO यानी कि आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 से अधिक विषैली होती है। तो चार ऑप्शन गाइज आपके सामने हैं, किसे एक बार आप अपने माइंड में टिक लगा सकते हो कि हाँ इसका ये सही हो सकता है, और उसके बाद इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी ही होगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितनी भी गलतियाँ करनी है यहाँ करो, एंट्रेंस एग्ज़ाम में गलतियाँ मत करना प्लीज़। जितनी भी हो सके वीडियो को बार बार देख के प्रैक्टिस करो, ठीक है, और यहाँ से टिक लगाना सीखो। जिसको टिक लगाना आ गया सही उसकी लाइफ सेटल है, ठीक है। तो लगा दिया होगा बहुत सारे टिक अब तक, तो लगा दिया किसी ने तो इस पे लगाया होगा, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, किसी ने ऑटो ले जाने की क्षमता को घटाता है, किसी ने फेफड़ों की शक्ति को टिक किया होगा, किसी ने जल के साथ अम्ल बनाता है टिक किया होगा। तो चेक ही कर लेते इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यह हीमोग्लोबिन की ऑटो ले जाने की क्षमता को घटाता है। गाइज कौन? हीमो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, और इसे कंबाइन हो जाए ना हीमोग्लोबिन से तो इंसान बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ये तभी जहरीली होती है, ठीक है। यानी कि यह हीमोग्लोबिन की O2 ले जाने की क्षमता को घटाता है, कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, क्लियर। चलते आगे एक और, जेकल ऑन जॉब चैनल से तो आपकी बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी इतनी खतरनाक होगी कि आप भी याद रखोगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, और गाइज बीएस नर्सिंग में बहुत सारा स्कोप है हर जगह, हमेशा बताता हूँ मैं, आपके स्टेट लेवल से सेंट्रल क्या इंटरनेशनल लेवल पे इसका स्कोप है बीएस नर्सिंग का, छोटा मोटा कोर्स नहीं है, ठीक है। तो आप तो बस नंबर ले आओ गवर्नमेंट कॉलेज में, लाइफ सेटल है आपकी। रेशम कीट की कौन सी अवस्था रेशम स्रावित करता है? प्यूपा, फ्रॉड, कोकून, डिब। रेशम कीट की कौन सी अवस्था रेशम स्रावित करता है? विच स्टेज ऑफ सिल्क इंसेक्ट सिगरेट सिल्क, राइट ऑप्शन इच। लगा दिया होगा टिक तो सबने, देखो टिक फटाफट लगा दिया करो क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है आपको। लगा दिया, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्यूपा, ठीक है। चलते आगे एक और, फ्लोपिन नलिका ब्रोंकाई एवं ब्रोंक्योलस की आंतरिक भित्ति किसकी बनी होती है? सल्की उपकला, पक्षमाभि उपकला, अस्थमाकार उपकला, घनाकार उपकला। फ्लोविन नलिका सब जानते हैं, सब बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, फ्लोविन नलिका। ब्रोंकाई एवं ब्रोंकोल्स की आंतरिक भित्ति किसकी बनी हुई होती है? और जो ब्रोंकाई को भी जानते हैं, ब्रोंकोल्स को भी जानते हैं, किसकी बनी होती है? क्या सल्की उपकला की, पक्षमाभि, या फिर अस्थमाकार उपकला की, या फिर घनाकार कोम्बियल? सिकुमस एपिथेलियम सिलेटेड एपिथेलियम कोलम्बनार एपिथेलियम कोविडल एग्नाकार, सब कुछ ईजी है गाइज अगर आपने पढ़ा होगा तो। और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देखना आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड मिल जाएंगे। और अपने जो दोस्त हैं उनको भी वीडियो शेयर किया करो ताकि उनका भी अच्छा खासा भला हो जाए इस लॉकडाउन में, कोरोना वायरस में, क्योंकि कोचिंग सेंटर तो खुल नहीं रहे, तो ऑनलाइन ही आपका पढ़ना बेस्ट है। और सबसे अच्छा पढ़ाई यूट्यूब में होता है गाइज, ठीक है। ईयरफोन का यूज किया करो, सारा का सारा ज्ञान आपके अंदर जाएगा।
तो टिक लगा दिया होगा आपने कि फ्लोविन नलिका और जो ब्रोंकाई हमारे अंदर होते हैं फेफड़ों में ब्रोंकल्स, और जो फ्लोविन नलिका हमारी कहाँ पर होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो आंतरिक भित्ति किसकी बनी हुई होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिलेटेड एपिथीलियम की पक्षमाभि उपकला की बनी हुई होती है, जिसका राइट ऑप्शन था। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होता है, अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी व्हाट परसेंटेज एरिया ऑफ द लैंड शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट, 13, 23, 33, 43। सो एक लगा दो, देखो लगा दो, कोई नहीं देख रहा आपको, आप अपने से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, कोई श्रम की बात नहीं है, अपने माइंड में लगा रहे हो आप टिक, ठीक है। किसको पता थोड़ी ना कि आपके सारे गलत थे, सारे सही थे, 50% गलत थे, 50% सही थे, वो तो आपका खुद का एनालिसिस है और आपका खुद का टैलेंट ही आपको आगे लेके जाता है, ठीक है ना। तो टिक तो लगा देगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 33, राइट। चलते आगे को, अगला क्वेश्चन है, और गाइस आपको पता है कि दिन ब दिन तरह तरह की बीमारियाँ सामने आ रही है, तरह तरह के रोग सामने आ रहे, तो ऐसे में बीएस नर्सिंग का स्कोप तो बढ़ता ही जा रहा है, ग्राफ ऊपर जाता ही जा रहा है गाइस, और आने वाले टाइम में और डिमांड बढ़ेगी इनके, तो बस आप तो तैयारी करो, नंबर लाओ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन है सॉरी, 3,4-बेंजोपायरिन से होता है, 3,4-बेंजोपायरिन से होता है, क्या होता है, ल्यूकेमिया, फेफड़ों का कैंसर, तपेदित, लीवर कैंसर, क्या होता है गाइस, 3,4-बेंजोपायरिन से होता है। टिक लगा दिया होगा आपने, किसी ने तो ल्यूकेमिया पे लगाया होगा, किसी ने फेफड़ों का कैंसर पे लगाया होगा, किसी ने तपेदित पे, किसी ने लीवर कैंसर पे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फेफड़ों का कैंसर, लंग्स कैंसर, राइट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस इंक्लूड कौन कौन सी है, CO2, CFC, CH4, NH3, CO2, CFC, CH4, SO2, CO2, CFC, CH4 और NH2O, या फिर CO2, CFC, CFC तो जानते हैं क्लोरोफ्लो कार्बन, और CH4 और NH2, तो कौन सी गाइस आपकी ग्रीन हाउस गैस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, टिक तो लगा दिया ना आपने, टाइम कम हो तो कमेंट में बता देना, सर टाइम ज़्यादा दिया करो तो ज़्यादा दे देंगे, ठीक है, वैसे बेसिकली आपने लगा ही दिया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका CO2, CFC, CH4 और N2O, राइट, CO2, C ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, N2O वाला, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सारे अच्छे, देख लो आप, सभी जीव के वर्गीकरण के दो जगत सिस्टम को विभाजित किया गया है, ऑल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ टू किंगडम सिस्टम इन डिवाइडेड इनटू प्लांटी और एनिमेलिया, मोनेरा और एनिमोलिया, प्रोचिस्टा और एनिमोलिया, प्रोचिस्टा और प्लांटी, राइट ऑप्शन क्या होगा, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्लांटी और एनिमोलिया, प्लांटी और एनिमोलिया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वांछित लक्षणों वाले व्यक्ति के बीच नियमित चयनित जनन कराने वाले मानव जाति की उन्नति को कहते हैं, सुजीवन की अंत प्रजनन या फिर सुजनन की, या फिर उपयोगों से कोई नहीं भाई, क्वेश्चन कहना चाहता है कि वांछित लक्षणों वाले व्यक्ति के बीच नियमित और चयनित जनन करा के मानव जाति की उत्पत्ति को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझ, देखो गाइज पहले क्वेश्चन को समझा करो, ठीक है, उसके बाद आंसर पर ध्यान दिया करो, ठीक है, ये तरीका है बेस्ट, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप चारों ऑप्शन में गोल गोल घूमते रहोगे कि राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है ना, ना ही आप सही ऑप्शन पर टिक लगा पाओगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया तो टिक लगा दो, लगा दिया तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, चेक नाउ, सुजनन की, ठीक है, सुजनन की
कहते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन है, रोजाना क्वेश्चन मिलते रहेंगे, बिल्कुल भी आपको फिक्र नहीं करनी है, बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है आपको, तो रोजाना क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। मनुष्य में एक जोड़ी हस्तियाँ होती है, मनुष्य में एक जोड़ी हस्तियाँ होती है, क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। इन ह्यूमन बींग ए पेयर ऑफ वन इन फाउंड बाह्य करण में, हंस मेघला में, निचले जबड़े में या फिर क्लाय में, मनुष्य में एक जोड़ी हस्तियाँ होती है, कहाँ होती है, टेक लगा दिया, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, हंस मेघला में। राइट, पेक्टोरियल गिरडल हंस मेघला में होती है गाइज, मनुष्य में एक जोड़ी हस्तियाँ। अगला क्वेश्चन है, कुछ नियमित ऋतुओं में अस्थमा के दौरे में वृद्धि होने का कारण क्या है गाइज, प्राकरण का निश्वास, शरद ऋतु में न्यून तापमान, या फिर सब्जियों में अंतग्रहण, या फिर न्यून तापमान तथा शरद ऋतु में आर्द्रता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्राकरण का निश्वासन, किसको एलर्जी होती है ना प्राकरण से, तो इस वजह से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन हमेशा 100% बनता है, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से, तो क्वेश्चन बनता है बनता है, लिख के रख लो आप, एक दो क्वेश्चन तो बनते हैं यहाँ से, और इस चैप्टर को अच्छा कवर कर लेना आप, टाइम मिला तो हम भी वीडियो अपलोड कर देंगे इस पर, इसके ऊपर रिप्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर, कि किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे और कहाँ कहाँ तक बनेंगे, ठीक है ना, आप तो बस चैनल पर बने रहो। सो गाइस, शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, स्पर्म आर प्रोडक्शन इन वासा डिफरेंसिया, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जिसको आप सेमिनिफेरस नलिका बोलते हैं, या फिर इंट्रस्टिशियल कोशिका में, या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि, तो सब जानते हैं, जो कि बुढ़ापे में क्या हो जाए, लार्ज होके मूत्र को रोक देती है, तो इसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है फिर, तो इसका राइट ऑप्शन बताओ गाइस क्या होगा, शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। सो इसका टिक लगा दिया, सबका सही जाना चाहिए ऑलमोस्ट, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेमिनिफेरस नलिका में, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में शुक्राणु बनते हैं। और आपको पता है कि कौन कौन सी कोशिकाएं वहाँ पर होती है, सर्टोली कोशिकाएं होती है पोषण देने के लिए, सारा क्राइटेरिया आपको याद रखना है। और गाइस एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे स्पर्म का गमन होता है ना, कि ये स्टार्टिंग कहाँ से प्रोडक्शन होता है, फिर ये कहाँ जाता है, कहाँ निकलता है, फिर कहाँ कहाँ तक इसका पथ होता है, सारा याद रखना है आपको। टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में आता है, वासा डिफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वासा हमारे शुक्रनलिका में आता है, वहाँ से हमारा शुक्राशय तक जाता है, ये पथ अवश्य याद रखना है आपको, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, चलते आगे को। वन हंड्रेड प्राथमिक अंडक कोशिकाओं से बनने वाले अंडाणु की संख्या होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ द ओवा प्रोडक्शन फ्रॉम 100 प्राइमरी ओसाइट, 400, 300, 100 या फिर 200, 100 प्राथमिक अंडक कोशिकाओं से बनने वाले अंडाणु की संख्या होगी, कितनी होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 100, ठीक है 100 बनेंगे। और गाइज क्वेश्चन की तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आपका तैयारी इतनी अच्छी करवाएंगे, एक ही चैनल इस चैनल पर तो हो रही है, और दूसरा चैनल जीके एमसीक्यू जेन के, जिस जिसको पता नहीं है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको रोजाना क्या मिलता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, तो इसको भी जाके फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है चलते आगे को। एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको आंसर देने में जो, हाइब्रिडोमा का प्रयोग होता है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इन यूज कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए, कायिक संक्रमण बनाने के लिए, एनोक्लोज एंटीबॉडी बनाने के लिए, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका प्रतिजैविक बनाने के लिए, किस में होता है गाइस, हाइब्रिडोमा का प्रयोग होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोनोक्लोन, मोनोक्लोन एंटीबॉडीज बनाने के लिए, ये वाला। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत और श्रीलंका के मध्य निम्न में से कौन सा जलीय जीव मंडल उपस्थित है गाइस? नक्शा तो देखा होगा ना आपने, तो बता दो कौन सा है। सुंदरबन, चिल्का झील, पुलिकट झील, मन्नार की खाड़ी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी जलीय जीव मंडल उपस्थित है, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, भ्रूण विकास के पश्चात लार्वा में प्रौढ़ बनने तक की क्रिया कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट फ्रॉम लार्वा आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज नॉन। सो इसका राइट ऑप्शन इज कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, सर जूलियन हसले द्वारा प्रस्तावित न्यू सिस्टमेटिक को कहा जाता है फिनेटिक्स, बायोसिस्टमेटिक्स, क्लेडिस्टिक्स या फिर आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बायो सिस्टमेटिक्स। अगला क्वेश्चन है आपका, खंड पाया जाता है लेरिंग्स इज प्रेजेंट इन मेंढक में परंतु खरगोश में नहीं, खरगोश में परंतु मेंढक में नहीं, मेंढक में तथा खरगोश दोनों में किसी में नहीं, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा गाइस। लेरिंग्स पाया जाता है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मेंढक तथा खरगोश दोनों में लेरिंग्स पाया जाता है गाइस। आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसा सवाल पूछा है देख लो। निम्न में से कौन सा एक्सप्रेशन प्लाज्मिड न होकर क्लोनिंग प्लाज्मिड है? विच एक्सप्रेशन इज क्लोनिंग प्लाज्मिड इंसेक्टेड और प्लाज्मिड? राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन आपके सामने है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा PUC18। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय स्त्रावित करता है द पेनक्रियाज सिगरेट क्या करता है? पेनक्रोजामिन, एंजियोटेंसिन, सिमेटोस्टेटिन, एंजियोटेंसिन सेकंड। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सोमेटोस्टेटिन, राइट। कॉर्बेटिस को प्रयोग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? हु फॉर्म द एक्सपेरिमेंटली? यूरे तथा मिलर ने, पीसर तथा हसले ने, सिडनी पॉक्स तथा ऑपरेशन ने, या फिर जेकोब तथा मोनार्ड ने? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिडनी पॉक्स तथा ऑफेरिन ने। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है स्ट्रक्चरल फैक्टर ऑफ सेल वॉल? मैट्रिक्स, म्यूकोट्यूबल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स, इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, टिक तो लगा दिया होगा आपने, माइक्रो फाइब्रिल्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में अत्यधिक जैव विविधता का अग्रणी क्षेत्र है इंडियन रीजन इन विच बायोडायवर्सिटी फाउंड इन लार्ज स्केल? गंगा का क्षेत्र, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट, मध्य भारत। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न इंडियन प्लेस, लैंडिंग प्लेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब सत्र युग्मन यानी कि सिनेप्सिस समूचे गुणसूत्र पर पूरा हो चुका होता है तब जिस अवस्था में कोशिका पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? जाइगोटिन, पेली, डायप्लोटिन, पिकोटिन या फिर डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पिकेटिन। अगला क्वेश्चन है, किसी जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं और पौधों को एक साथ कहते हैं? शाकाहारी, सहभोजी, पल्पक या फिर प्राणीजात और पेड़ पौधे? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पल्पक। अगला क्वेश्चन है, कोशिकांग जिसमें बहुत अधिक बहुरूपता पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन,
ऑर्गेनेल इज पॉलीफॉर्म इज क्रोमस किसी जले वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पौधे एक साथ कहलाते साकार, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा पल्लवक। अगला क्वेश्चन है आपका कोशिकांग जिसमें बहुत अधिक बहुरूपता पाई जाती है डिक्टियोसोम माइक्रोकोंड्रिया लाइसोसोम इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डिक्टियोसोमा। अगला क्वेश्चन है दांत का कौन सा भाग एनिमल से ढका होता है विच पार्ट ऑफ टूथ इन कवर्ड विच एनिमल रूट क्राउन डेंटाइन या फिर आपका ऑल ऑफ दोज उपयोग में से सभी, सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन समान क्रोमोसोम पर पास स्थित जीन्स के साथ सास वंशागत होने वाली संकलमना को क्या कहते हैं गुणात्मक वंशानुगति जीन विनिमय जीन की पारस्परिक क्रिया या फिर सहलग्नता, सो इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका सहलग्नता लिंकेज राइट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विशिष्ट तरल सहजीवी ऊतक है विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज ब्लड हार्मोन नॉन ऑफ दो जिनमें से कोई नहीं नॉन ऑफ दिस, कौन सी विशिष्ट तरल से हो जिस तक है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका ब्लड ठीक है। विटामिन ई की कमी से होता है जिसने विटामिन वाला वीडियो देख लिया होगा हमारा तो उसको तो 100% ही आ गया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वहाँ जाके विटामिन का वीडियो देख लेना। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई स्कर्वी वेरी वेरी या फिर नपुंसकता या फिर पेलेग्रा, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नपुंसकता ठीक है इम्पोर्टेंसी। अगला क्वेश्चन है महाकालता तथा एक्रोमिगी किस कारण से होती है ऑटो अल्पसग्रता अधोपीयूषता ऑटो अतिसग्रता अतिपीयूषता जिंजाइटिज्म एंड एक्रोमिगी, या इंग्लिश में देख सकते हो हिंदी में समझ नहीं आ रहा हो तो क्योंकि आपके बेस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आती है ठीक है, कुछ एग्जाम है जहाँ पर ओनली इंग्लिश आते बाकी में इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन आपने टिक लगा दिया होगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अति पीयूषता यानी कि हाइपर पिट्यूटरीज्म अति पीयूषता होती है। और गाइज इसी प्रकार के क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पढ़ने के लिए हमारा जीके एमसीक्यू एमके चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जीके एमसीक्यू एमके चैनल, वहाँ पर भी आपको रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, तो अगर आप नए हैं तो वहाँ पर आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि वहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। और ऐसा कोर्स जिसमें इसको बहुत ज़्यादा उसका नाम है बिजनेस सिंह, इसमें अपनी सफलता हासिल कर सकते हो ठीक है, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको मिल जाएगा ठीक है ना। और कोई भी आपका कोई भी बात हो कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स लिखा हुआ है, अगर कमेंट का जवाब नहीं आता है तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आपकी तैयारी के लिए बिजी रहते हैं बस ठीक है, उसका मतलब ये है अगर जैसे फ्री होते हैं तो हम कमेंट बॉक्स चेक करते जिसका क्वेश्चन होता है उसका आंसर देते ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जीके एमसीक्यू जेएम के चैनल है वहाँ जाके उसको फॉलो कर सकते हो। और साइंस एमके चैनल तो आप जानते होंगे वो तो हमारा फर्स्ट नंबर वन चैनल है जिसका 25,000 वहाँ पर हमारे फैमिली हो चुकी है सब्सक्राइबर की ठीक है, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है क्योंकि वहाँ पर जैसे जैसे इंडिया में बेस नर्सिंग फॉर्म रिलीज होते जाते हैं सिलेबस आता जाता है ठीक है ना, कोई भी पोस्टपोन्ड होता है एग्ज़ाम सारी सूचना साइंस एम के पे मिलती है, यहाँ पर हम ओनली तैयारी करते हैं जेक्रॉन जॉब पे ठीक है, तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जाके सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको दुगना तिगना फ़ायदा मिल सके और आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके। ओके धन्यवाद।